नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हमारा बिहार में। आज 19 मार्च 2019 है और 19 मार्च 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से रिलेटेड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के पटना एम्स अस्पताल में किस नाम का रोबोट प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी करेगा? तो उस रोबोट का नाम है द विंची रोबोट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस मुख्यालय का स्थानांतरण किस भवन में किया गया है? तो सरदार पटेल भवन में किया गया है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और सरदार पटेल भवन को स्टेट ऑफ आर्ट्स पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और यह जो पुलिस मुख्यालय है यह भारत देश का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार के महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किस स्थान में न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेतिया में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही हैं और ये जो बेतिया है ये पश्चिमी चंपारण जिला में आता है। और पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है। और इस जिला का प्रमुख उद्योग चीनी मिल है। और पश्चिमी चंपारण जिला का नाम आया है तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं पश्चिमी चंपारण जिला कहाँ पे है। तो ये रहा बिहार का मैप और ये रहा सबसे कॉर्नर में पश्चिमी चंपारण जिला। तो चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो वायु प्रदूषण में पटना को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। और पहले स्थान पे नोएडा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस गांव में पिछले 5 साल से होली के अवसर पर लोग पौधारोपण करते हैं? तो ये जो गांव है उसका नाम है अरिहाना, जो कि कटिहार जिला में है, ठीक है। और कटिहार जिला से कुछ और जानकारी लेते हैं कि कटिहार जिला का गठन 1973 में हुआ था, ठीक है। कटिहार जिला का मुख्य फसल धान है और यहाँ का मुख्य उद्योग हो गया जूट, पटसन और कागज उद्योग। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पे है? तो गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार जिला में ही है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। अब नाम आया है कटिहार जिला का, तो चलिए मैप में देखते हैं कटिहार कहाँ पे है। तो ये रहा अपना बिहार का मैप और देखिए यहाँ पे है, ये है कटिहार जिला जो कि पश्चिम बंगाल के सीमा से सटा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी लघु फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो फिल्म का नाम है रीवर्थ। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सिटी बसों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो ये बनाया है चलो नामक ऐप। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार दिवस के अवसर पर सऊदी अरब में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? ये बुलाया गया है आनंद सर को। ये वही आनंद सर है जो सुपर 30 के संचालक है, ठीक है। और इन्हीं को बुलाया गया है सऊदी अरब में मुख्य अतिथि के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री सुशील मोदी जी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम
ऐप्स डाउनलोड करने के बाद सर्च कीजिए हमारा बिहार HB, उसके बाद चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको प्रतिदिन का PDF भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।